हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडनॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, सो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर अशोका द एम्परर हु गिव अप द वार का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पहला क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे? तो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC में इन्होंने हराया था लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी जिनका नाम था धनानंद। तो ही डिफीटेड द धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी। और जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे उस समय जो मौर्य अम्पायर था वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा अम्पायर में से एक था वो आपका मौर्य अम्पायर। क्वेश्चन टू, व्हाट डू यू मीन बाय डायनेस्टी। तो डायनेस्टी से आप क्या समझते हैं? तो डायनेस्टी आपका होगा एक तरह से वंशवाद। तो व्हेन ए मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, देखिए एक ही मेंबर का, सेम फैमिली का ही मेंबर, जैसे राजा का बेटा राजा, तो बिकम द रूलर ऑफ वन आफ्टर वन द फैमिली इज कॉल्ड डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ एग्जांपल के रूप में हम लोग समझते हैं मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी में क्या था? राजा का बेटा राजा चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था नंद को। और उसके बाद जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने उसका उनके बाद उनका बेटा बिंदुसारा राजा बने, फिर बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोका। तो यही जो चल रहा है परंपरा, सेम फैमिली का जो बन रहा है मेंबर राजा वो कहलाता है आपका डायनेस्टी। ठीक है, क्वेश्चन थ्री, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अम्पायर। तो अम्पायर से आप क्या समझते हैं? तो अम्पायर का मतलब हो गया आपका वेरी बिग किंगडम, बहुत बड़ा जो किंगडम को कहते हैं हम लोग अम्पायर। अम्पायर एक तरह से आपका हो गया पॉलिटिकल टेरिटरी या लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द यूनिफाइड और ए सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, क्वेश्चन फोर, नेम द कंट्री वेयर द अशोका इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड। तो हमें उस देश का नाम बताना है जहाँ जहाँ अशोका का इंस्क्रिप्शन पाया गया है, मिला है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा देश है? तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, पांच देश हैं जिसमें इनका अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है। तो सबसे पहले जाने इंस्क्रिप्शन क्या होता है। तो इंस्क्रिप्शन आपका हो गया इज ए राइटिंग, एक तरह का राइटिंग है जो कि हम लोग लिखते हैं किस पे, मेटल या स्टोन पे। ठीक है, जो पुराना केव हो गया, गुफा में देखे होंगे कहीं कहीं लिखा होता है, या आपका मॉन्यूमेंट पे लिखा होता है, तो वो सब आपका इंस्क्रिप्शन होगा। कहीं कहीं पिलर पे लिखा होता है राजा के बारे में, तो वो सब आपका इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। इंस्क्रिप्शन हमने आपको चैप्टर वन, इससे क्लास सिक्स का चैप्टर वन में का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमने आपको डिस्कस भी किया है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये देखिए आपका एडिक्स ऑफ अशोका, अशोका का कहाँ कहाँ इंस्क्रिप्शन में था, मेजर रॉक्स पे था, पिलर पे था, ये सब आपका शहर आप देख सकते हैं। ये लैंड पिलर एट सारनाथ, सारनाथ में ये लैंड पिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, नेम द थ्री मेन सिटी ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का तीन प्रमुख शहर का नाम बताना है। तो पहला है आपका पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, तीन ऐसे सिटी हैं जो कि काफ़ी फेमस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थे मौर्य एम्पायर के। तो आपका हो गया पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। पाटलिपुत्र ये आपका मौर्य डायनेस्टी का कैपिटल था, इसका नया नाम है पटना। ये पटना बिहार स्टेट का कैपिटल है, उसका एंशंट नाम था, पुराना नाम था पाटलिपुत्र, जो कि कैपिटल हुआ करता था मौर्य एम्पायर का भी, गुप्ता डायनेस्टी का भी, गुप्ता एम्पायर का भी। ठीक है, और फिर आते हैं उज्जैन। तो उज्जैन जो था वो आपका नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ का आपका वो रूट था, रास्ता था मेन। आपका जो नॉर्थ से साउथ जाना होता था तो उज्जैन होकर ही जाते थे। और तक्षशिला आपका हो गया, उज्जैन आपका हो गया मध्य प्रदेश स्टेट में, और तक्षशिला हो गया आपका अभी तो पाकिस्तान में है। और तक्षशिला जो था वो गेटवे था, वो रास्ता था आपका नॉर्थ वेस्ट की ओर जाने का।
इसको हम लोग डायग्राम में देखते, फिगर मैप में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे तक्षशिला है, तक्षशिला से आपको नॉर्थ वेस्ट जाना हो तो ये आपका पाटलिपुत्र कैपिटल हो गया, ये उज्जैन हो गया। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ जाना है तो उज्जैन के रास्ते से जाते थे, प्रोविंसेस में जो गवर्नर होता था वो उज्जैन होकर ही साउथ की ओर जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, नेम द ग्रीक रूलर ऑफ द वेस्ट एशिया हु सेंड एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो एम्बेसडर भेजा था तो वो ग्रीक रूलर का नाम बताना, तो ग्रीस के राजा का नाम क्या था, तो वो सेलेल्यूकस निकेटर। और इस किसको भेजा था, एम्बेसडर का नाम था मेगास्टनीस। ये एम्बेसडर का नाम था, इनको भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। और सेलेल्यूकस निकेटर जिसकी बेटी से जिसकी बेटी का नाम था हेलिना, उसकी शादी की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो धम्मा का पॉलिसी कौन स्टार्ट किया, तो अशोका। ठीक है, अशोका ने स्टार्ट किया। धम्मा जो है ये वर्ड है प्राकृत वर्ड, धम्मा एक प्राकृत वर्ड है। इसका संस्कृत वर्ड में क्या होता है, धर्म। ठीक है, इसका संस्कृत वर्ड होता है धर्म। धर्म मीन्स गुड कंडक्ट, सच बोलना, ये सब आपका धर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एम्परर अशोका वाज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ। तो वो किसके टीचिंग से, किसके शिक्षण से इंस्पायर हो चुके थे, तो होगा गौतम बुद्ध। बुद्ध के टीचिंग से वो इंस्पायर हो गए थे, प्रभावित किया था जब उन्होंने कलिंगा वार किया था। तो कलिंग में जब युद्ध हुआ था तो जिसमें काफ़ी लोग मरे थे, लाखों लाख लोग मरे थे, लाखों लोग घायल हुए थे, तो जिसको देखकर इनका जो परिवर्तन हो गया था, अशोक परिवर्तन चेंज हो गए थे। और उसके बाद से उन्होंने धर्मा का पॉलिसी अपनाया और वो बुद्ध की बुद्धिज्म को भी अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नेम द इंडियन स्टेट विच वे आर नॉट अ पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर। तो अशोका एम्पायर के कौन कौन से स्टेट पार्ट नहीं था, तो हमें यहाँ पे स्टेट्स का नाम बताना। तो देखिए, अशोका एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा एम्पायर अशोका के टाइम का ही था। सो उसमें से कौन कौन से शामिल नहीं थे, तो उस समय के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स उस समय शामिल नहीं थे, तमिलनाडु और केरल। आप ये मैप में देख सकते हैं। ये देखिए मौर्य एम्पायर में आपका, मौर्य एम्पायर का काफ़ी लास्ट में तमिलनाडु केरल बचा हुआ था, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और कुछ पार्ट इधर बचा हुआ था, ये अफगानिस्तान तक था। हिंदुकुश आपका नॉर्थ वेस्ट तक था। ठीक है, क्वेश्चन 10, नेम द अदर नेम ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य का और कौन कौन से नाम से जानते थे, तो पहला है कौटिल्य, दूसरा है विष्णुगुप्त। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। अब चाणक्य के नाम जानते थे, चाणक्य के फिलोसोफर थे, इकोनॉमिक्स थे और रॉयल एडवाइज़र थे। चाणक्य एज ए चीफ एडवाइज़र टू, दोनों चीफ एडवाइज़र थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी और उनका बेटे बिंदुसारा के समय भी। ठीक है, तो दो दो राजा के समय ये चीफ एडवाइज़र रह चुके हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो अर्थशास्त्र एक किताब है जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में मौर्य टाइम के, मौर्य एम्पायर के टाइम का वो मेंशन किए थे। तो अर्थशास्त्र इज अ बुक इन विच आइडियाज ऑफ द चाणक्य रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पीरियड हैज बीन रिटन। उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन और आपका हो गया इकोनॉमिक जो कंडीशन था उसको मेंशन किया था। तो देखिए ये अर्थशास्त्र था 1905 में डिस्कवर किया गया था उनको, ये 1905 में डिस्कवर किया गया था, चाणक्य का लिखा हुआ था और ये आपका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन मौर्य पीरियड के समय का वो मेंशन किया गया है। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द एंशंट नेम ऑफ द कोस्टल उड़ीसा। तो कोस्टल उड़ीसा का जो पुराना नाम क्या था, तो उसका नाम था कलिंगा। ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो ये यहाँ पर उड़ीसा का ये जो पार्ट था आपको ये कहलाएगा आपका कलिंग। ठीक है, ये आपका कलिंग है और जो कलिंगा वॉर था वो हुआ था 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग वॉर हुआ था।
यहाँ देखिए कलिंगा का ये लोकेशन, ये आपका कोस्टल उड़ीसा का पार्ट है, कुछ हल्का पार्ट आपका आंध्र प्रदेश का भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन 13, नेम द थ्री इंपॉर्टेंट रूरल ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर का तीन इंपॉर्टेंट रूरल कौन कौन थे, तो तीन प्रमुख शासक कौन कौन थे, तीन प्रमुख राजा कौन कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, सेकंड बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए, और थर्ड है आपका अशोका, तो अशोका आपका बिंदुसारा का बेटा हुआ, ठीक है। इसको डायग्राम में देखते हैं, यहाँ देखिए तीन इंपॉर्टेंट रूलर क्या क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका 322 से 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक थे राजा रहे, फिर आते हैं बिंदुसारा जो 298 बीसी से 273 बीसी तक, और फिर अशोका 273 बीसी से 232 बीसी तक। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य है, ये बिंदुसारा और ये किंग अशोका। क्वेश्चन 14, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑफिसर्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम द एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ रूलर से क्या लेता था, टैक्स, ठीक है, टैक्सेस लिया करता था। क्वेश्चन 15, रूलर प्रिंसेस वे ऑफन वेंट टू प्रोविंस। देखिए प्रोविंस क्या होता है, छोटा छोटा जो एरिया बांधा जाता है उसको कहते हैं प्रोविंस, ठीक है, स्मॉल रीजन वो सब हो गया प्रोविंस, जो कि कंट्रोल कौन करता था, आपका रॉयल प्रिंसेस। तो प्रिंसेस क्या बन के जाते थे, एज अ गवर्नर वो बनकर जाते थे, और वहाँ का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या था, उनका ठीक करते थे। क्वेश्चन 16, द मौर्य रूलर ट्राई टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वेर द इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंट क्या क्या था, पहला तो रोड और दूसरा रिवर, क्योंकि आप जानते हैं जो पाटलिपुत्र है वो सोन नदी के किनारे था, और इधर आपका नॉर्थ में गंगा नदी के किनारे था, तो जिससे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अच्छी हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी लोग अपना यहाँ से वहाँ सामान को भी ले जाते थे, और उसके द्वारा वो खुद भी जाते थे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दो हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का दो माध्यम हो गया, पहला रोड और दूसरा रिवर। क्वेश्चन 17, पीपल इन द फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द मॉडर्न ऑफिसर स्पीड। ठीक है, जो फॉरेस्ट रीजन में जो लोग रहते थे, ऐसे तो टैक्स हर कोई, चाहे वो अपना फार्मिंग के थ्रू देता था, अनाज देता था, चाहे वो पैसे के रूप में देता था, कॉइन्स के रूप में देता था, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते थे वो कैसे टैक्स देते थे, तो वो क्या करते थे, हाथी देते थे, टिम्बर देते, लकड़ी देते थे, हनी या वैक्स, इस रूप में वो अपना टैक्स को पेड करते थे, ठीक है। अपना जो टैक्स को मॉडर्न ऑफिसर्स थे उनको टैक्स में के रूप में क्या क्या देते थे, हाथी, एलिफेंट, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। क्वेश्चन 18, अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र रिटन डाउन बाय मैगनेस्टिस एंड इट हैड डैश टावर्स एंड डैश गेट। देखिए पाटलिपुत्र में जो आपका कितने टावर्स और कितने गेट्स थे, तो 570 टावर्स हो गए, 570 टावर हो गए, और 64 गेट हो गए, 64 गेट हो गए। क्वेश्चन 19, द लायन डैट वी सी ऑन आवर करेंसी नोट, जो हम लोग करेंसी नोट पे देखते हैं, लायन एंड क्वाइंस आर टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर सिचुएटेड एट। तो कहाँ पर है ये आपका सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में, ये आपका सारनाथ में। तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहाँ है, सारनाथ में, और इसको हम लोग अडॉप्ट किए एज ए ऑफिशियल एल्बम, ठीक है, नेशनल एल्बम ऑफ इंडिया इन 1950 में, इसको यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ये आपका अशोका पिलर है, मॉडर्न पिलर सारनाथ का, ये लायन है एट द टॉप। ये आपका पाटलिपुत्र है, और ये जो आपका पिलर्स था पहले का स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया, एंशंट स्ट्रक्चर मॉडर्न टाइम के, मॉडर्न पीरियड के टाइम का। क्वेश्चन 20, नेम द टू प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। तो मॉडर्न एम्पायर का दो प्रोविंशियल कैपिटल कौन कौन थे, तो पहला तक्षशिला एंड सेकंड उज्जैन, पहला तक्षशिला एंड सेकंड उज्जैन। तक्षशिला आप जानते हैं ये पाकिस्तान में है, ये बता चुके थे पहले, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट जो गेट है उसका रास्ता, और उज्जैन जो है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को जाने का ये गेटवे था, रास्ता था।
उज्जैन आज अभी मध्य प्रदेश में करंटली, और तक्षशिला आपका पाकिस्तान में। क्वेश्चन 21, नेम सम ऑफ द कंट्री वेयर अशोका सेंट हिज ऑफिसर्स टू स्प्रेड धामा। तो देखिए, धामा धर्म को वो प्रचार किए, धर्म का प्रचार करने के लिए वो अपना ऑफिसर्स लोग को कहाँ कहाँ भेजे, कौन कौन से देश में भेजे, तो अपना धर्म का प्रचार के लिए बहुत कुछ किए, ठीक है। वो मैसेज को स्प्रेड कराते थे अपने आदमियों के द्वारा कि वो, तो अपना कुछ लोग को फिर अपने देश में भी प्रचार करवाया और देश के बाहर भी उन्होंने भेजा। तो देश की कौन कौन से देश में भेजा, तो ये आपका सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका, ठीक है। इन देशों में अपना ऑफिसर्स को भेजा टू स्प्रेड द धमा, धमा मीन्स धर्म इन संस्कृत वर्ड। तो धमा ये आपका कौन सा लैंग्वेज का है, प्राकृत वर्ड है, इसको याद रखिएगा, कौन सा वर्ड है, प्राकृत वर्ड है। क्वेश्चन 22, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ। तो अशोका के लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आप जानते हैं ये कलिंग वॉर, कलिंग वॉर जो कि 261 BC में हुआ था। तो बैटल ऑफ कलिंग वाज द टर्निंग पॉइंट इन द अशोका लाइफ, 261 BC में हुआ था। कलिंग में वॉर के बाद ही वो चेंज हो गया था। कलिंग वॉर में क्या हुआ था, कम से कम वो 1.5 लाख लोग कैप्चर पकड़े गए थे, और मोर देन लाख, और लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसको देखकर अशोका को बहुत ही उनका हृदय हार्ट चेंज हो गया, और इसके बाद वो अपना लिए धमा, ठीक है, धर्म को एक्सपेक्ट किए और बुद्धिज्म को वो अडॉप्ट कर लिए। क्वेश्चन 23, उज्जैन वाज द गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ये ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो देखिए, गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट का गेटवे कौन था, तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट का गेटवे तक्षशिला था, और उज्जैन क्या था, नॉर्थ टू, नॉर्थ से साउथ जाने का गेटवे था। क्वेश्चन 24, चंद्रगुप्त वेयर रिटन डाउन इन अर्थशास्त्र। तो चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र नहीं लिखे थे, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, चाणक्य वेयर रिटन डाउन अर्थशास्त्र, चाणक्य लिखे थे ना अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 25, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन आर इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं कि इंस्क्रिप्शन राइटिंग ऑन द मेटल और स्टोन्स, तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था, तो इसका आंसर होगा ट्रू, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, धमा महामता वेयर द फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इन ऑर्डर टू स्प्रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ धमा। तो ये क्या होगा, धमा महामता कौन थे, तो धमा महामता आपका ये ऑफिसर्स थे, ठीक है, ये ऑफिसर्स थे जो कि कौन अपॉइंट किया था, अपॉइंटेड बाय अशोका। इनका काम क्या, इनको काम दिया गया कि ताकि वो अपना जो धामा है, धर्म है, उसको उसका प्रचार करने के लिए, उसको स्प्रेड करने के थ्रू आउट द कंट्री और कंट्री के बाहर भी, तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। तो ये था आपका 26 इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर अशोका, जिसका हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और साथ ही साथ कहीं कहीं मैप पे भी और डायग्राम के थ्रू आपको समझाएं। सो आई होप आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।